हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी क्वेस्ट। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एसबीआई क्लर्क मेंस का स्ट्रैटेजी, जो कि लास्ट 10 डेज में आपको फॉलो करने चाहिए ताकि आपका मार्क्स काफ़ी अच्छे से बूस्ट हो सके। और मैं ये अच्छे से बता सकती हूँ क्योंकि मैंने लास्ट के 10 डेज में ही पेपर दिए थे लास्ट ईयर, और उसके पहले आई थिंक 15 डेज का टाइम मिला था। ओके, तो आपको इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। सो चलिए देखते हैं क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। सो सबसे जो फोकस पॉइंट होना चाहिए, सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जो आपको ध्यान रखना चाहिए इन लास्ट 10 डेज में, वो है कि आपको अपना करंट अफेयर सेक्शन को बहुत अच्छे से ब्रश अप करना चाहिए। जितने भी आपने पढ़ रखे हैं उसको अच्छे से रिवाइज करो, और करंट अफेयर सेक्शन लास्ट के 6 मंथ के अच्छे से करके जाना। ओके, 6 मंथ का करंट अफेयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लास्ट का 6 मंथ। ओके, एंड करंट अफेयर में भी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है वो क्या है, वो है बैंकिंग अवेयरनेस। जो बैंकिंग अवेयरनेस सेक्शन है करंट का, करंट बैंकिंग अवेयरनेस जो है वो आपको करना है। और वो कहाँ से करोगे, इस चैनल पे आपका वीडियो है, आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आई बटन पे भी मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक करना। 3 आवर्स का वीडियो है, राइट, और उसमें कम्प्लीट 6 मंथ करवाया हुआ है। ओके, तो आपको वो वीडियो अच्छे से पढ़ लेना है, उसमें कंप्लीट कुछ भी आपका छूटेगा नहीं, सब कुछ लास्ट के 6 मंथ में जितने करंट के क्वेश्चन बैंकिंग अवेयरनेस से बन रहे हैं वो आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन है, आप कर लेना। आपका मार्क्स बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा आएगा, आप अच्छे से क्वेश्चन वहाँ पे कर लोगे। और साथ ही साथ जो आपका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए वो क्या है, करंट, करंट के जितने भी न्यूज़ हैं, नेशनल इंटरनेशनल डेज का जो क्वेश्चन आता है वो 1 या 2 देखने को मिलेगा, तो आप करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन कर लो तो अच्छा है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, पर आपका 1 से 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका जो अपॉइंटमेंट होता है, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुए, थीम्स हुए डेज के, और ऑबिचुअरी हुए, ये सब के क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना है। करंट अफेयर्स जो है वो आपको अच्छे से कर लेना है, उसके भी आपके लास्ट के 6 मंथ के रिवीजन सेशन में करवाए जा रहे हैं, आपको अच्छे से इन डेप्थ ही करवाया जा रहा है। आप उतना पढ़ लो, बहुत ही मतलब आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। एक अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो रिवीजन हो जाएगा, और नहीं पढ़ रखा है तो आप इतने कम टाइम में कर भी कह सकते हो। तो बेटर है कि आपको इस कोर्स को फॉलो करो, अच्छे से आपका करंट अफेयर्स निकल जाएगा, जीके सेक्शन निकल जाएगा, कोई इशू नहीं होगा, जनरल अवेयरनेस सेक्शन आराम से निकलेगा। ओके, और साथ ही साथ जो स्टैटिक क्वेश्चन बनते हैं, स्टैटिक जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके करंट से ही बनते हैं, तो वो भी आपका करवाया हुआ एक वीडियो है, लास्ट 6 मंथ का है, उसमें करंट स्टैटिक, करंट बैंकिंग स्टैटिक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो करवाए हुए हैं आपके, तो आप वो वीडियो भी देख लेना, आपका वहाँ से भी 2-3 नंबर आराम से ईजिली निकल जाएगा। ओके, तो किसी तरह से अगर आपने नहीं कर रखा है कुछ भी, तो ये बहुत ही गलत बात है, आपको ये सेक्शन को अच्छे से करके चलना चाहिए। तो अभी लास्ट मोमेंट पे आपको अच्छे से रिवीजन करना चाहिए, और अच्छा खासा वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है, आप उससे जाके देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी हूँ, और जिसने कर रखा है उनके लिए अच्छा सोर्स है ये रिवीजन का, आप रिवीजन करो। सबसे ज़्यादा आपको टाइम यहाँ पे अलाउड करना है, 4 to 5 आवर्स आपको यहाँ पे देना है, 4 से 5 आवर तक। ओके, एंड नेक्स्ट जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होना चाहिए वो होगा आपका टेस्ट, मॉक टेस्ट, राइट। मॉक टेस्ट में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो होता है, क्वांट्स, अगर आप अलग अलग करने बैठोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो बेटर है कि एक सोर्स खोलो, मॉक टेस्ट या तो आप सबमिट करना है तो सबमिट करो, दोगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, देना पड़ेगा, फिर उसको एनालाइज करना पड़ेगा। अगर दे सकते हो, टाइम है इतना, इतनी एफर्ट लगा सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आप दो आराम से, एंड उसके बाद जो है आपको उसको एनालाइज करना पड़ेगा। एनालाइज मतलब बैठ के सारे क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा, जो भी आपने सही करा है क्वेश्चन उसमें देख लो कि मतलब आपने रैंडमली तो सही नहीं कर दिया, ऑप्शन इस तरह से बस लगाया हो गया, इस टाइप का तो नहीं है कुछ। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, और अगर है तो आपको उसको अच्छे से सॉल्यूशन से सीखना है और ट्राई करना है, जितने क्वेश्चन नहीं बने, जितने क्वेश्चन गलत हुए उसको सबसे पहले देखना है कि कितने गलत हुए, क्यों गलत हुए,
और जिसने आप जो आपने करेक्ट करा है वो आप सही तरीके से बनाए हो, उसमें सही तरीके से बना के सही किए हो, और जो स्किप किया है उसको तो बनाना ही बनाना है। तो तीनों सेक्शन में आपका आपको ये काम करना है, अच्छे से एनालाइज करना है या फिर बोलो तो अच्छे से बैठ के मॉक को सॉल्व करना है। ओके, मॉक को सॉल्व करना है बैठ के। तो या तो आप टेस्ट सबमिट करके करो या तो आप टेस्ट दो और उसके बाद ये काम करो। तो आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपको एक होता है ना कि आपका जो मॉक टेस्ट देते हो तो कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट आराम से पहले दे के जाना। अगर आपने अभी तक एक भी नहीं दिया है तो 3 मॉक टेस्ट एटलीस्ट दे के जाओ। पता चलेगा आपको कि आप क्वेश्चन को पिक सही से कर पा रहे हो कि नहीं, सही क्वेश्चन पिक कर पा रहे हो, कुछ क्वेश्चन को छोड़ पा रहे हो या नहीं, क्योंकि मेंस में क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ना इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये बात पीओ के लिए ज़्यादा मायने रखती है, क्लर्क में ये चीज़ थोड़ी कम जाती है क्योंकि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, लेकिन ये एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन छोड़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि आपको फंसा दे या टाइम ले ले। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन को आपको छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ जिस क्वेश्चन को बनाने में आप ज़्यादा टाइम लगा रहे हो या नहीं बनता है वो आपको टेस्ट देके या क्वेश्चन सॉल्व करके ही पता चलेगा। तो आप कम से कम 3 टेस्ट दे देना मॉक टेस्ट, क्योंकि उससे आपको एक तो आपका सीटिंग हैबिट डेवलप होगा कि आप इतने देर बैठ के एक फोकस कंसंट्रेशन डेवलप कर पाओ, दूसरा क्वेश्चन पिकिंग एबिलिटी डेवलप होगा, और तीसरा आपको मतलब उस प्रॉपर एक टेस्ट का इन्वॉल्वमेंट होगा जिसमें आपको बैठ के फोकस करके एग्ज़ाम देना है, टेस्ट देना है। वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि आप एग्ज़ाम में ना मतलब एग्ज़ाम से पहले अगर ये चीज़ आप कर लेते हो तो अच्छा रहेगा। और उसमें आप ट्राई करना एक टेस्ट में कि आप पहले जो क्वेश्चन बना लेते हो खुद से वो सारे क्वेश्चन बनाना, और उन सारे क्वेश्चन को आप पहले बनाना, स्कोर करने की कोशिश करना कि कितना ज़्यादा आप स्कोर कर पा रहे हो। ओके, तो एक टेस्ट इसलिए देना कि आप देख सको कि कहाँ आप स्टैंड कर रहे हो। ओके, एक टेस्ट इसलिए देना, और 1 से 2 टेस्ट आप उन क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करना जो आपके लिए न्यू लग रहे हो या फिर जो आप नहीं बना पाते हो। तो 1 से 2 टेस्ट उस टाइप के टेस्ट में जब क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे तो उस टाइप के टेस्ट के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना, जिससे आपको पता चले कि हाँ आपको किस टाइप का क्वेश्चन छोड़ना चाहिए जो एकदम नहीं बनेगा आपसे, या क्या आपको करना चाहिए। इन दो तरीक़ों से अगर आप टेस्ट दोगे, 3 से 4 टेस्ट या 2 से 3 टेस्ट भी, तो आप अच्छा एग्ज़ाम में कर पाओगे, क्योंकि आपको खुद पता होगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। ओके, सो दैट्स ऑल। ये स्ट्रैटेजी आपको लास्ट के 10 डेज में फॉलो करना है, और ये बहुत ही बेस्ट स्ट्रैटेजी है, मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप इस तरह से कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में थोड़ा ना थोड़ा मार्क्स में बूस्ट देखने को मिलेगा। ओके, दैट्स ऑल। वीडियो को ज़्यादा नहीं खींचते हैं, पढ़ाई पे फोकस करो, स्ट्रैटेजी में ज़्यादा कुछ रखा नहीं है, बस जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैं बता दी। अब आप पढ़ाई करो, क्योंकि ये टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अच्छे से रिवाइज़ करो हर चीज़ को, हर कॉन्सेप्ट्स को। ओके, कॉन्स के सारे कॉन्सेप्ट जो भी हैं वो आप अच्छे से देख लेना। इंग्लिश में आप जितना प्रैक्टिस कर सको उतना ज़्यादा अच्छा होता है, सेम विद द रीजनिंग। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।